जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसकी कड़ी में एक और बड़ी अनाउंसमेंट, एक और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। मित्रों, आज 4:30 बजे से एक विशेष बैठक हम सब करने वाले थे, जिसमें मुख्य सचिव और रोहित कंसल जी और भी कुछ लोग रहने वाले थे। एक विशेषज्ञों की समिति आज जम्मू कश्मीर में 24/7 पावर कैसे मिले, ये काम उनको सौंपा गया था। तो उन्होंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह से इसको करना है, उसका प्रेजेंटेशन था। संयोग की बात है कि आज भारत सरकार की कैबिनेट ने, जो प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, उसमें एक आप सबके ध्यान में होगा कि लंबे समय से रटले प्रोजेक्ट का नाम आप सब सुन रहे हैं, आज भारत सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसकी कुल लागत 5,822 करोड़ रुपए हैं। ये 4,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। आप पिछले बार आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जिसमें यह भी बताया गया था कि क्वार 540 मेगावाट पहले से डिसाइड किया हम लोगों ने टेकअप करने का, जिसकी कुल लागत 4,264 करोड़ है और उसमें भी 2,000 जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे। 4 और पावर प्रोजेक्ट्स पर उस दिन एनएचपीसी के साथ हम सब ने एमओयू पर साइन किया था, किरथई 2 930 मेगावाट, सवालकोट 1856 मेगावाट, उरी स्टेज 2 240 मेगावाट एंड दुलहस्ती स्टेज 2 258 मेगावाट। ये उस दिन मैंने बताया था कि 31,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट इन चारों परियोजनाओं पर आएगा। अब आपके ध्यान में होगा कि दो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हैं, पकलडुल 1,000 मेगावाट और कीरू 624 मेगावाट, ये चेनाब रिवर पर हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज पर हैं। इसमें भी अगर इसके इन्वेस्टमेंट को और टोटल को जोड़ लें तो केवल पावर प्रोजेक्ट्स में, खासतौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 52,821 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हो रहा है और मोटे तौर पर 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इससे क्रिएट होने वाले हैं। उस दिन जब पावर मिनिस्टर यहाँ थे, आप सबने सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिल करके ये ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ इन प्रोजेक्ट के साथ एनएचपीसी स्टार्ट करेगी, ताकि यहाँ के स्थानीय युवकों को ट्रेन करके उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके। अब अगर मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊं तो 2018 के पहले 47 से 2018 तक मोटे तौर पर आप देखिए तो 3500 मेगावाट बिजली का जनरेशन जम्मू कश्मीर में होता है और 18 से और आज की बात यहाँ जिस तारीख में खड़ा हूँ तो आने वाले 5 सालों में 6,300 मेगावाट माने जो हमारी कैपेसिटी 47 से 2018 तक थी उससे दुगुना पावर मोटे तौर पर हम आने वाले 5 साल में बनाने जा रहे हैं। इसके लाभ आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि एक तो सेल्फ रिलायंट पावर में हो जाएगा स्टेट, पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस स्टेट हम बनेंगे, फास्टर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे। जहाँ तक इस रटले प्रोजेक्ट की कुछ विशेषताओं का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैंने पहले आपको बताया कि ये 5,281.94 करोड़ की लागत से
850 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा और इसमें 51% NHPC का और 49% JKSPDC की इक्विटी होगी। जो सबसे मजेदार बात है, या मैं कहूं कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना एक पैसे लगाए जम्मू कश्मीर एक पावर प्रोजेक्ट में आधे का हिस्सेदार, लगभग आधे का बनने जा रहा है। जो इक्विटी हमारी है 776.44 करोड़, ये भारत सरकार दे रही है और जो 51% NHPC का है वो NHPC खुद वहन करेगा। आज जो तय हुआ है कि ये 60 महीने में, मैंने 5 साल में कमीशन कर दिया जाएगा, ये प्रोजेक्ट वाइबल हो इसके लिए हमने कुछ कंसेशंस दिए। और मुझे याद नहीं है, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप पता करें, ये देश की पहली पावर प्रोजेक्ट है कि जिस साल कमीशनिंग शुरू होगी उसी साल से पावर मिलना हमें शुरू हो जाएगा। ये ऐसा MOU देश के किसी राज्य ने आज तक नहीं किया था। 1% से शुरू होगा और 12वें साल में 12% हमको मिलेगा। अगर मैं पैसे में, रुपए में इसकी कीमत आंकूं तो 5,289 करोड़ की पावर हमें मुफ्त में मिलेगी और वाटर यूजेज चार्ज के रूप में 9,581 करोड़, ये 40 वर्षों में हमें प्राप्त होगा। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य को भारत सरकार ने इस तरह से मदद नहीं किया था। मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार की पूरी कैबिनेट का अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बात मुझे लगता है कि ये आवश्यक है आज ये कहना कि मित्रों, इस प्रोजेक्ट के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। लंबे समय से आप रटले रटले सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कमी थी दृढ़ इच्छा शक्ति की। पाकिस्तान बार बार धमकी देता था कि यार इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, वर्ल्ड बैंक ले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो सरकारें थी शायद वो फैसला इस कारण से नहीं ले पाती थी। आज देश को एक मजबूत नेतृत्व है जिसने सब कुछ दरकिनार करके जम्मू कश्मीर के हितों को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति भी प्रदान की है और इक्विटी का पैसा भी जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया है। मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू।